वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आप मेरे पीछे देख सकते हो और इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अभी मैं कहाँ हूँ। तो मैं आपको बता दूँ तो मैं अभी शिमला में हूँ और शिमला के पास जो लिफ्ट के पास जो पार्किंग है अभी वहाँ पे हूँ मैं। आज का ब्लॉग हम कर रहे हैं शिमला की लिफ्ट से शुरू, क्योंकि मैं शिमला आया था अभी कुछ अपने काम से, वो काम हो चुका है तो मैं कहा चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं। एक बार आप यहाँ से व्यू चेक कीजिए, इतनी अच्छी जगह पे ये लिफ्ट बनी है। यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई, अल्टीमेट आता है। आप देखिए तो इस तरह से ये रहा आपका रिज वाला एरिया, चर्च दिखाई दे रहा है, और इधर ये लिफ्ट वाला एरिया है। यहाँ से आप लिफ्ट पकड़ के सीधे मॉल रोड पहुँच सकते हो ऊपर, और बहुत जल्दी पहुँच सकते हो। अदरवाइज आप अगर और जगह से आते हो तो वहाँ से काफ़ी चलना पड़ता है, यहाँ से शॉर्टकट है। एक चीज़ मैंने देखी तो ये नहीं बनी अभी, पहले मैंने देखी नहीं थी, आज देखी है, शायद अभी बनी है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आई लव शिमला। दोस्तों अभी चल रहा है गर्मियों का सीज़न, तो इस सीज़न में मैं चाहता हूँ कि आप सबको शिमला का मैक्सिमम एरिया आप सबको कवर करके दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में, कि शिमला में खाने वाली जगह कौन सी अच्छी है, घूमने वाली कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आप आओ और घूम सकते हो, जहाँ की आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप वीडियो देख के आसानी से वहाँ पूरा आपको गाइड करेंगे उन वीडियोज़ में। तो आने वाले दिनों में वो सीरीज शिमला की शुरू होने वाली है, दो सीरीज वो रहेगी, एक घूमने वाली एक खाने पीने वाली। तो अभी अप्रैल मंथ ही चल रहा है, लेकिन टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया है शिमला में, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है। लेकिन यहाँ आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, मुझे इतना अच्छा मौसम लग रहा है ना अभी, कोई गर्मी नहीं है। और ये पार्किंग दोस्तों काफ़ी ऐसे एरिए में बनी है कि डर भी लग जाता है यहाँ से जब नीचे को देखते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ से नीचे देखा। ये वाली जो पार्किंग है ना, इसके बनने से काफ़ी ज़्यादा मतलब सबको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ आती है, और शिमला में इतनी बड़ी पार्किंग बहुत कम है। तो अभी हम पार्किंग से निकल गए हैं, और पार्किंग का जो यहाँ प्राइस है ना, वो आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे मतलब समय के हिसाब से आपको पार्किंग के चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये सामने लिफ्ट रही, यहाँ से आप 10 रुपए की टिकट है लिफ्ट की, और आप सीधे मॉल रोड पे पहुंच सकते हो ऊपर। और मैक्सिमम लोग यहीं पे ही गाड़ी खड़ी करते हैं जब से ये पार्किंग बनी है, क्योंकि यहाँ से लोग सबसे, जो ही लोग शिमला आते हैं वो शिमला मॉल रोड जरूर जाते हैं, तो ये सबसे नजदीक रास्ता है गाड़ी वाले के हिसाब से। फाइनली हम शिमला से निकल गए हैं, और 60 रुपए की मेरी पर्ची यहाँ पे लगी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका होगा मुझे यहाँ पे गाड़ी लगाए हुए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी है। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। With the way.
हम छिप छिप आए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसे जी छिप छिप आए, ऐसे जी हम न पाए। ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। की सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी है। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। Yeah.